देख सकते हैं पेटीएम सीरीज सेकंड T20 मैचेस से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो T20 मैचेस है जो लखनऊ और धर्मशाला में है, उसका जो टिकट है वो अभी अवेलेबल हो चुका है। सो उस टिकट का प्राइस कितना है और कौन से प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हुआ है, सारा कुछ डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा। और किस तरीके से आप बुक कर सकते हो इस टिकट को, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो टिकट है वो पेटीएम में अवेलेबल हुआ है। सो सबसे पहला काम है आपको पेटीएम को इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, उसके बाद उस पर लॉग इन भी कर लीजिए। सो पेटीएम में इंस्टॉल और लॉग इन कर लेने के बाद आपके सामने ऐसे कि इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए और रिचार्ज और बिल पेमेंट के भी नीचे आ जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं टिकट बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर जाइए इवेंट टिकट। सो इवेंट टिकट के ऊपर आप सिंपली क्लिक कर देंगे, थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने ऐसे कि इंटरफेस आ जाएगा। सो दो तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ से लोकेशन डाल के भी यहाँ से चूज कर सकते हो, या तो आप क्या करिए लोकेशन में डालने के बाद आपके सामने यहाँ पर अगर आपका जो टिकट है वो यहाँ पर शो नहीं होता है तो आप सिंपली यहाँ पर सर्च करिए इंडिया वर्सेस श्रीलंका लिख कर यहाँ पर सर्च कर दीजिए। सो इंडिया वर्सेस श्रीलंका लिख कर जैसे ही आप सर्च करेंगे देख सकते हैं आपके सामने ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो ये टिकट अभी अवेलेबल हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना पड़ेगा। देख सकते हैं पेटीएम सीरीज सेकंड T20 मैचेस है, दो जो T20 मैचेस है धर्मशाला का जो टिकट है अभी अवेलेबल हुआ है। सो देख सकते हैं या इसका प्राइस कैटेगरी पे आप यहाँ से देख सकते हैं 750 रुपीज़ से 7500 तक ये चीज़ अवेलेबल है आपका जो टिकट। सो आप यहाँ से बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, इसका टर्म्स एंड कंडीशन भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से फिल्टर सिलेक्शन बाय प्राइस, सो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम स्टैंड में टिकट अवेलेबल है अभी तक। सो यहाँ पर प्राइस कैटेगरी के ऊपर चूज़ कर देंगे। सो देख सकते हैं मैं 1000 वाला चूज़ करता हूँ, 750 वाला जो टिकट है वो अभी ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर स्टैंड के ऊपर चूज़ कर देंगे। सो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्वान्टिटी चूज़ करने के लिए बोल रहा है। सो आप यहाँ से 1 से 10 तक टिकट आप यहाँ से बुक कर सकते हो एक टाइम पर। सो मैं अभी 1 को करके दिखाता हूँ। सो उसके बाद बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ से करना क्या है, आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है ये है आपका टिकट का पिक करने का टाइम। सो किस डेट पर आप पिक करना चाहते हो, कौन से टाइम पर, ये चीज़ आप यहाँ से चूज़ करके आप अपने मर्जी से आप जा सकते हो टिकट को पिक करने के लिए। सो मैं आपको पहला वाला ही चूज़ करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, आपका लॉगिन एज दिखा रहेगा, जो भी नंबर या ईमेल से आपका पेटीएम लॉगिन है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो ऐसा नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा, उसके बाद देख सकते हैं पिकअप डिटेल्स दे रहा है। सो यहाँ से आप आपका टिकट को पिक करेंगे। सो यहाँ पर एड्रेस भी दे रहा है। सो एड्रेस उसके बाद आपको करना है इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक, और कंटिन्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ऑर्डर समरी आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका जो प्राइस है, सो 1076 रुपीज़ इसका प्राइस आ रहा है। सो नॉर्मली यहाँ पर 1000 आ रहा था और 76 रुपीज़ आपका जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का है उसका GST ले रहा है। सो आप यहाँ से इस अमाउंट को पे कर देंगे। पे करने के बाद आपका जो टिकट डिटेल्स आ जाएगा और आपके सामने एक बुकिंग कन्फर्मेशन भी आ जाएगा, एक QR कोड भी आ जाएगा। सो ये चीज़ आने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस एड्रेस पर चले जाइए। चले जाने के बाद आप वहाँ पर आपका QR और आपका आइडेंटी प्रूफ आप वहाँ पर शो कर देंगे तो आपका जो टिकट है वो आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और भी कोई भी टिकट अगर आपको बुक करना है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के जरूर से दूंगा।